हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माई गुरुकुल पर। और आज थोड़ा लेट हो गए हम, बट हमारा टारगेट बिल्कुल फिक्स है कि हमें आज साइंस का पोर्शन करना था और हम उसे करेंगे। बहुत लोग इंग्लिश पे भी जोर दे रहे हैं, बट इंग्लिश हम कल करेंगे। ठीक है, करेंगे, हम सब कुछ करने वाले हैं, डोंट वरी। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपका पूरा सिलेबस कम्प्लीट कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और टाइम बहुत कम बचा है, तो आप बहुत पैनिक नहीं हो इसके लिए, मैं ये भी चाहती हूँ। और फोकस रखिए, जितना आप पढ़ लिख चुके हैं, जितना आपको आता है, बिल्कुल बेफिक्री से जाएं, एग्ज़ाम दे के आएँ। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। आप लास्ट मोमेंट में बहुत हड़बड़ करके पढ़ रहे हैं, तो जितना आपके दिमाग की कैपेसिटी होगी आप उतना ही गेन कर पाएंगे। सब कुछ मैं आपको जो दे दूँ आप सब कुछ ले लें, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो आप एक अपने माइंड को स्टेबल करें और जितना आता है आपको एग्जामिनेशन बिल्कुल बेफिक्री से जाए और देकर आए। नेक्स्ट ईयर अगर आपकी इस बार अच्छा होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर तैयारी नहीं है आपकी सही से, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 2019 को टारगेट बनाइए अपना। आप लेट से आए हैं, हम लेट से जुड़े हैं, कोई बात नहीं है इसमें। 2019 हमारा टारगेट है। 2019 में आप फिर से KVS की वैकेंसी आने वाली है, AWS, फिर ये जो मंथ है अभी नवंबर दिसंबर का, ये पूरे एग्जामिनेशन से भरा हुआ होगा। तो तब के लिए हमें आज से प्रिपरेशन करनी है। आज से मतलब हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे, दिसंबर तक पूरे एग्जामिनेशन ख़त्म होने वाले हैं, चाहे वो KVS का है, CTET का है, सारा एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाएगा और हमारा टारगेट होगा 2019 का एग्जामिनेशन। तो हम उसको फोकस करेंगे, 2019 के एग्जामिनेशन को। तो आप बिल्कुल अभी ज़्यादा हड़बड़ में या कोई गड़बड़ी ना करें। मैं चाहती हूँ एकदम शांत दिमाग कर ले अपना और जाके एग्जामिनेशन दे के आए। बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। आपको जो आता है आप बिल्कुल आंसर करें, जो नहीं आता है नेगेटिव मार्किंग है AWS में छोड़ दें। KVS में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप जो आप कर सकते हैं, जो अगर आप कुछ कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं तो वो भी लीजिए, और जो आप कर सकते हैं वो आप करिए। बट नेक्स्ट ईयर 2019, अभी टीचिंग को एक बहुत ही ज़्यादा क्या एक प्रोफेशन जैसा बना दिया गया है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे लोग जो एक व्यवसाय से जोड़ दिए, एक शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया गया है। लोगों ने एक इसके नाम पे कमाई करनी शुरू कर दी है कि भाई टीचर है, टीचर हमें टीचर क्यों बनना है। आप अपने आप से सवाल पूछिए, हमें टीचर क्यों बनना है? क्या पैसे कमाने के लिए? नहीं, हमें टीचर बनना है। टीचर का मतलब क्या होता है? तो एक हमें अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा टीचर बनना है, जो वैल्यूज़ को मेंटेन करता है, जो ना पैसे कमाने के लिए टीचर नहीं बना है, बल्कि वो वैल्यूज़ के लिए टीचर बना है, जो टीचर का जो उद्देश्य है उसको कंप्लीट करना है। तो आप बस उसको कंप्लीट कीजिए, टीचर तो आपको 2019 तक हम बना देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप बस अगर एक बार यहाँ आ चुके हैं, हमसे जुड़ चुके हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपसे मेहनत करवाना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम आपसे करवा लेंगे। जब हमारे जनवरी से हम फ्रेश बैच स्टार्ट करेंगे, तो हम सारे टॉपिक्स को, एक एक टॉपिक्स को हम हर दिन डेली बेसिस पे, एक सब्जेक्ट को, हर एक सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे करेंगे। चार एक दिन भर में हम चार सेशन करेंगे, चार सेशन में चार अलग अलग सब्जेक्ट्स को हम करने वाले हैं। सो डोंट वरी, बिल्कुल भी शांत दिमाग से आप जो भी आप पढ़ चुके हैं उसको पढ़ लीजिए। लास्ट मोमेंट में ज़्यादा भागा दौड़ी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको अभी। चलिए, आज बातें बहुत कर ली हमने, थोड़ा साइंस कर लेते हैं। साइंस का कि आज मैंने 50 क्वेश्चंस लिए हैं जो मुझे अच्छे लगे हैं, इम्पॉर्टेंट भी है, एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, तो ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़े KVS और AWS दोनों में काम आएंगे आपके। चलिए शुरू करते हैं। चलिए ये देख लीजिए, साइंस का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। इन चारों में से कौन एक एंटीबायोटिक है? एस्पिरिन, पैरासिटामोल, पेनिसिलिन या फिर सल्फाडाइजीन। इन चारों में से एंटीबायोटिक कौन सा है? तो एस्पिरिन, पैरासिटामोल, पेनिसिलिन और सल्फाडाइजीन दोनों में से जो एंटीबायोटिक है वो कौन है? तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन। फूड का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? माउथ में, लिवर में, स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन में। तो डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट हो जाता है माउथ से ही। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि माउथ से ही हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, बाय टेकिंग द पल्स रेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी अ डॉक्टर डिटरमाइंस। जब डॉक्टर पल्स रेट लेता है ह्यूमन बॉडी की, तो वो क्या डिटरमाइन करता है? हमारे
तो वो हार्ट बीट को डिटरमाइन करता है, पल्स रेट जो होता है वो हार्ट बीट को डिटरमाइन करता है। अ थर्मोस्टैट इज यूज्ड फॉर, थर्मोस्टैट किस लिए इस्तेमाल होता है? तो थर्मोस्टैट आपने सुना होगा कि थर्मोस्टैट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए थर्मोस्टैट का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ बाय विच प्रोसेस। सो धरती पर जो सूर्य की गर्मी आती है वो कौन से प्रोसेस से आती है? रिफ्लेक्शन, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन या फिर रेडिएशन। तो ये तो आप सबको पता है कि धरती पर जो सूर्य की किरण आती है, हिंदी में उसे विकिरण बोलते हैं और इंग्लिश में रेडिएशन बोलते हैं। रेडिएशन प्रोसेस के तहत वो अर्थ तक पहुंचती है। ड्यू फॉर्म्स मोस्ट रेडिली ऑन नाइट्स दैट आर काम एंड क्लियर, स्ट्रॉमी, विंडी और क्लाउडी। ड्यू जो फॉर्म होते हैं वो नाइट्स, नाइट में वो क्या होते हैं? एक्चुअली ड्यू होते क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो वो क्या होते हैं, जो नाइट के जो ड्यू होते हैं वो काम एंड क्लियर होते हैं, शांत और साफ, क्लीन होते हैं, क्लियर होते हैं। द फुल मून राइजेज इन द, फुल मून कब होता है, फुल मून किस दिन होता है, सॉरी फुल मून राइजेज इन द, फुल मून राइज कहाँ पे होता है? तो ये होता है ईस्ट में राइज, फुल मून राइज होता है ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन इज एबल टू फ्लाई बिकॉज, एक एरोप्लेन किस वजह से उड़ने के लिए योग्य बनता है, किस तरह से उड़ने में एबल होता है? तो बिकॉज ऑफ द मूविंग एयर कैन लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स। इट इज़ लाइटर देन एयर, ये नहीं होता है। इट इज़ हैवियर देन एयर, नहीं, ये सब कोई रीज़न नहीं है। इट इज़ मेड फॉर अ वेरी लाइट मटेरियल, ये भी इम्पॉर्टेंट मैटर नहीं। मूविंग एयर कैन लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स, सो जब हवा चल रही होती है तो चीज़ों को वो उठा सकती है, ये इस प्रोजेक्ट पे वर्क करता है। नेक्स्ट है, द सोरिंग ऑफ मिल्क इज काउज्ड बाय द एक्शन ऑफ, दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना किस कारण से होता है, किस एक्शन से होता है? सो ये होता है आपके प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से, वायरस से या फिर नन ऑफ दीज, कौन से ऑप्शन से होता है? तो दूध का खट्टा होना जो होता है वो होता है बैक्टीरिया की वजह से। The smallest living thing that can cause disease in the human body is, the smallest living thing that can cause disease in human body, वो छोटी सी चीज living thing जो disease cause कर सकती है human body में वो क्या है? Flea, bacteria, a protozoa और viruses, तो वो है virus। virus जो होता है वो living एक लिविंग सेल होता है, वायरस लिविंग सेल होता है, बाकी प्रोटोजोआ ये सब लिविंग नहीं होता। तो वायरस जो होता है लिविंग सेल होता है और ये डिजीज काउज करता है ह्यूमन बॉडी में। द मोस्ट एबंडेंट गैस इन द एयर इज, सबसे ज़्यादा एबंडेंट गैस एयर में कौन सा है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो मोस्ट एबंडेंट गैस जो है वो नाइट्रोजन है। विच ऑफ द एलिमेंट कॉमन टू ब्रास एंड ब्रॉन्ज, कौन सा एलिमेंट कॉमन होता है ब्रास एंड ब्रॉन्ज? ब्रास और ब्रॉन्ज आप जानते हैं कि ये दोनों क्या है, दोनों ही एक, सो ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों ही मिश्र धातु होते हैं। तो इसमें कॉपर, आयरन, जिंक और कौन सा एलिमेंट इन दोनों में कॉमन होता है? कॉपर, आयरन, जिंक या फिर एल्यूमिनियम। तो जो कॉमन होता है वो होता है कॉपर, ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों में ही कॉपर मौजूद होता है। नेक्स्ट है, द densest element known so far is, the densest element known so far, सबसे ज़्यादा denser element कौन सा है? iron, mercury, osmium या फिर tungsten। सबसे denser element माना जाता है osmium को। the most ductile element, सबसे ज़्यादा ductile element कौन सा है? gold, silver, iron या फिर एल्यूमिनियम। डक्टाइल, डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की। अगर आपने मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ा हुआ है, 9th-10th का भी पढ़ा होगा, तो आपको आइडिया होगा इस बारे में कि डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की, जिससे आप क्या कर सकते हैं, उसे खींच कर लंबे वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आप उसे एक वायर बना सकते हैं किसी मेटल को। तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है जिसका वायर हम ज़्यादा डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है? तो ये होता है गोल्ड, सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी इसकी होती है। The metal having highest melting point is, सबसे highest melting point कौन से metal की है? Chromium, tungsten, diamond या फिर silver की। तो सबसे ज़्यादा melting point होती है tungsten की, इसी वजह से हम इसका इस्तेमाल
घर में जो बल्ब होते हैं उसके फ्यूजेस में इसका इस्तेमाल कर, फिलामेंट में इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है. द गैस विच कॉन्स्टिट्यूट्स मोस्ट ऑफ वीनस एटमोसफेयर इज, द गैस विच कॉन्स्टिट्यूट्स मोस्ट ऑफ वीनस एटमोसफेयर इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कौन सा है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कहाँ पे पाया जाता है? वीनस जो प्लैनेट है वहाँ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है. द मोस्ट कॉमन चाइल्ड सॉरी द मोस्ट कॉमन एसिड फाउंड इन नेचर इज, मोस्ट कॉमन एसिड जो नेचर में पाया जाता है, जो कॉमन एसिड नेचर में पाया जाता है वो कौन सा है? एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. तो जो कॉमन एसिड पाया जाता है वो है एसिटिक एसिड, वो कॉमनली पाया जाता है. 17 का ऑप्शन नंबर ए. द बॉम्ब दैट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी बट कैन डैमेज द लाइफ ओनली इज, जो बम डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता और ये सिर्फ क्या करता है, एक खास तरह का बम जो सिर्फ लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो कौन सा बम होता है? एटम बम, हाइड्रोजन बम, फीजन बम या फिर न्यूट्रॉन बम, उसे कौन सा बम हम कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लाइफ को डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रॉय करता है, प्रॉपर्टीज को नहीं? तो ये बम होता है न्यूट्रॉन बम. कहीं पर भी न्यूट्रॉन बम अगर छोड़ा जाता है तो वो क्या करता है, सिर्फ जो लाइफ है, लिविंग थिंग्स है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि प्रॉपर्टीज को. द वेव्स रिसीव्ड बाय आवर टेलीविजन सेट्स, द वेव्स रिसीव्ड बाय आवर टेलीविजन सेट्स आर, कौन से वेव्स हैं जो टेलीविजन सेट्स रिसीव करता है? लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, कॉस्मिक वेव्स या फिर माइक्रोवेव्स. तो जो टेलीविजन सेट रिसीव करता है वो कौन सा वेव होता है? तो वो होता है माइक्रोवेव्स. इसकी वजह से ही आप घर में टीवी पर प्रोग्राम देख पाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स विल फेल टू गिव सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट इन वैक्यूम, कौन सा मशीन यहाँ पे फेल हो जाएगा रिजल्ट देने में वैक्यूम में? बाइसिकल, स्विमिंग मशीन, फैन या फिर वॉशिंग मशीन. क्वेश्चन नंबर 20, तो यहाँ पे बाइसिकल है वो तो काम कर सकता है वैक्यूम में, स्विमिंग मशीन भी काम कर सकती है, वॉशिंग मशीन तो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड होता है, बट फैन ये क्या होता है, आपके पास जो एयर है बिना एयर के वैक्यूम में ये काम नहीं करेगा, तो ये फेल हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड. क्वेश्चन नंबर 21, सबसे बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिक का सिल्वर, इसीलिए जो महंगे इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पे सिल्वर को एज अ कंडक्टर यूज किया जाता है. टंगस्टन इज मेनली यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज ऑफ इट्स, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि टंगस्टन को हम यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो होती है मेल्टिंग पॉइंट होती है किसकी होती है, टंगस्टन की, तो हम इसे यूज़ करते हैं फिलामेंट बनाने में बल्ब्स के. तो क्या होगा, लो कॉस्ट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या लो थर्मल कंडक्टिविटी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाई होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल फिलामेंट बनाने में किया जाता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, द एलिमेंट कॉमन टू बोन्स एंड सीमेंट इज, एक एलिमेंट है जो कॉमन है, हड्डियों में भी होता है और सीमेंट में भी पाया जाता है, कौन सा वो एलिमेंट है? सिलिकॉन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फिर फॉस्फोरस, जो दोनों में पाया जाता है, बोन्स में और सीमेंट में भी, तो वो एलिमेंट होता है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम. हमारे बोन्स में, ह्यूमन बोन्स, एनिमल बोन्स, सभी में कैल्शियम पाया जाता है और सीमेंट में भी कैल्शियम पाया जाता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, द रॉ मटेरियल कॉमन टू सीमेंट एंड ग्लास इज, रॉ मटेरियल जो कॉमन होता है सीमेंट और ग्लास दोनों में वो क्या होता है? सोडा होता है, रॉक होता है, जिप्सम या फिर सैंड. रॉ मटेरियल वो सामान होते हैं जो हमें यूज़ करते हैं किसी चीज़ को बनाने में, फॉर्मेशन में उसकी हेल्प करता है. तो सीमेंट और ग्लास को बनाने में कौन सा कॉमन रॉ मटेरियल है जो दोनों में इस्तेमाल किया जाता है? तो वो होता है जिप्सम. सीमेंट में भी जिप्सम यूज़ किया जाता है और ग्लास के भी निर्माण में जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है.
What is essentially required to digest the food in stomach? क्या बहुत ज़रूरी है हमारे डाइजेशन स्टमक में डाइजेशन के लिए? एयर, वाटर, एंजाइम्स या फिर मिनरल्स? तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंजाइम्स, क्योंकि एंजाइम्स ही ब्रेक डाउन करते हैं हमारे फूड मॉलिक्यूल का, जिससे कि डाइजेशन प्रोसेस होती है. तो बिना एंजाइम्स के डाइजेशन पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक मीटर्स रिकॉर्ड द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन. घर में आपके जो मीटर लगा होता है वो रिकॉर्ड करता है कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किस उसकी किस यूनिट में, वोल्ट्स में, एम्पियर्स में, वॉट्स में या फिर ओम्स में. अगर आपने कभी बिजली बिल को गौर से देखा होगा तो आप इसका जवाब दे पाएंगे कि वो रिकॉर्ड करता है वॉट्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज डज नॉट पॉल्यूट द एयर. कौन सा गैस है जो एयर को पॉल्यूट नहीं करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? तो डज नॉट पॉल्यूट द एयर, तो कौन सा नहीं करता है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करता है. क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है जब ह्यूमन छोड़ते हैं तो प्लांट उसे रिसीव करते हैं, तो इससे पॉल्यूशन एक हमारा जो पॉल्यूशन लेवल है उसे बिगड़ता नहीं है. अदर गैसेस से जरूर ये पॉल्यूशन का जो लेवल है वो अदर गैसेस से ज़्यादा मैटर करता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड जो ह्यूमन द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है, वो एक्सहेल किया जाता है, वो इनहेल कर लिया जाता है प्लांट्स के द्वारा, वो यूटिलाइज कर लेते हैं इसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में. सो ये गैस पॉल्यूशन में हम नहीं काउंट करते. नेक्स्ट है पोलियो इज अ डिजीज काउज ड्यू टू. पोलियो जो डिजीज़ है वो काउज होता है. किसकी वजह से? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, वायरस इन्फेक्शन से, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन से या फिर फूड पॉइजनिंग से. पोलियो डिजीज़ होता है, सभी को पता है पोलियो वायरल इन्फेक्शन से होता है, वायरस के इन्फेक्शन से होता है. आपने दिन रात टीवी पे इसका एड देखा होगा ऑलरेडी कि वायरस के इन्फेक्शन से पोलियो होता है. तो जितनी बीमारियाँ वायरस से होती है वो बहुत डेंजरस होती है, ये आप ध्यान में रखिए. Which form of gold is the softest? तो गोल्ड का कौन सा फॉर्म सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है? तो गोल्ड को आपने ख़रीदा होगा कभी, तो आपको मालूम होगा आप कैरेट में ख़रीदते हैं. कितने कैरेट का सोना होता है? 16 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 24 कैरेट, 22 कैरेट. तो जनरली क्या होता है, सबसे शुद्ध सोना माना जाता है 24 कैरेट का, 24 कैरेट का गोल्ड. और लेकिन 24 कैरेट के गोल्ड से जो क्या होता है, ज्वेलरी नहीं बन सकती है, टूट जाएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है. तो उसमें मिक्स किया जाता है. यूजुअली आप जो ज्वेलरी यूज़ करते हैं वो 18 कैरेट, 17 कैरेट के अंदर या फिर 20 कैरेट तक बनाया जाता है. तो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कौन होगा? तो जितनी आप ये याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा कैरेट बढ़ेगा आप वो सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी. तो यहाँ पे आंसर होगा 22 कैरेट, 29 का डी. Filtration of wastes from the blood in human body is done by heart, lungs, kidney या फिर intestines. Filtration जो होता है blood का किसके द्वारा किया जाता है? Heart, lungs, kidney या फिर intestines से. ये किया जाता है kidneys के द्वारा. Next है 31 question number. Speed of sound waves is maximum in. साउंड वेव जो होता है वो मैक्सिमम होता है कहाँ पर? वैक्यूम में, गैसेस में, लिक्विड्स में या फिर सॉलिड्स में? तो सबसे ज़्यादा ये होगा साउंड वेव सॉलिड में, क्योंकि यहाँ सॉलिड जो होता है वो सबसे डेंसर होता है. तो जहाँ पे डेंस मीडियम होगा तो साउंड वहाँ पर उसकी वेव्स बहुत तेज़ी से पास होंगे, तो वेव्स मैक्सिमम होता है. हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन द रेनबो? रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? तो रेनबो में आपने पहले से ही जान रखा है कि रेनबो जो है 7 रंगों से इंद्रधनुष बनता है, 7 कलर्स होते हैं. बैरोमीटर मेजर्स, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? विंड वेलोसिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अमाउंट ऑफ रेनफॉल या फिर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही मेजर किया जाता है बैरोमीटर से. नेक्स्ट है एनीमोमीटर मेजर्स. एनीमोमीटर मेजर करता है क्या? अमाउंट ऑफ रेनफॉल, एटमोस्फेरिक प्रेशर, विंड वेलोसिटी या एम्पेरेज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल करंट. तो एनीमोमीटर क्या मेजर करता है? तो एनीमोमीटर मेजर करता है
विंड की वेलोसिटी को, हवा की वेलोसिटी को एनिमोमीटर से हम मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, स्पाइग्नोमैनोमीटर मेजर्स, स्पाइग्नोमैनोमीटर क्या मेजर करता है? स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट, हीट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड अदर थर्मल प्रॉपर्टीज, या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, डिस्टेंस कवर्ड और स्टेप्स टेकन बाय अ पर्सन वॉकिंग, या फिर ब्लड प्रेशर। तो ये करता है ब्लड प्रेशर को मेज़र। तो आप ब्लड प्रेशर जो मॉनिटर आप यूज़ करते हैं अपने घर में, बीबी मॉनिटर, वो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट है मेट्योरोलॉजी, इज द स्टडी ऑफ, मेट्योरोलॉजी किसकी स्टडी है? मेट्योर्स एंड मेट्योरॉइड्स, या फिर द क्लाइमेट, द वेदर, द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो वेदर की स्टडी को हम बोलते हैं क्या? मेट्योरोलॉजी, वेदर की स्टडी को। ऑयल, वाटर एंड गैस कैन बी प्रेजेंट इन द वेल इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑयल, वाटर, गैस। दोनों एक अगर कुएं में है तो आप कौन नीचे से ऊपर से आपको बताना है कि कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा। तो इसका करेक्ट ऑर्डर होगा, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे वाइल वाटर सबसे हैवी होगा, फिर ऑयल होगा और फिर गैस होगा, क्योंकि वाटर सबसे भारी होता है, फिर ऑयल उस हल्का होता है तो वो उसके ऊपर आ जाएगा और गैस सबसे ऊपर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें? हाँ, वाटर, ऑयल, गैस, ये ऑप्शन नंबर ए। 38, वेजिटेबल्स कैन बी कुक्ड क्विकली इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज स्टीम कैन बॉयल वेजिटेबल फास्टर देन वाटर, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रेशर, हाई प्रेशर लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट, या फिर ऑल द एबव। तो यहाँ पर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है जब आप प्रेशर को बढ़ा देते हैं। तो मेन रीज़न है ऑप्शन नंबर बी कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 39, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट सी विथ क्लैरिटी द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन साइमल्टेनियसली। एक पर्सन जो किस ऐसे डिजीज से सफ़र कर रहा है जो क्लियर नहीं देख पा रहा है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस को, तो उसे वो कौन से आई डिजीज या प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है आपको ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा एस्टिमेटिज्म, ऑप्शन नंबर सी, एस्टिमेटिज्म से सफ़र कर रहा है कि वो लाइंस को क्लियर नहीं देख पा रहा है हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस को। When a flake of rice melts in a water bowl, the level of water inside the bowl remains unchanged, goes down, increases, nothing can be said definitely. क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर एक आइस है एक वाटर बाउल में रखा हुआ है और वो मेल्ट हो जाता है तो क्या होगा? पोजिशन जो होगी वाटर की क्या हो जाएगी? तो वो अनचेंज रहेगी, क्योंकि वाटर में वाटर की लेवल चेंज नहीं होगी, क्यों? वाटर में क्या होता है, बहुत सारे स्पेस होते हैं जो वो आपस में वो उसको फिल कर देते हैं, इसलिए जो लेवल होती है वो चेंज नहीं होती है। टू एन एस्ट्रोनॉट इन अ सैटेलाइट द कलर ऑफ द स्काई वुड अपीयर टू बी the color of the sky would appear to be black, blue, grey or white. एक एस्ट्रोनॉट को स्काई का कलर कैसा दिखेगा? अगर एस्ट्रोनॉट जब ऊपर जाता है तो वो नज़दीक से देख रहा है तो कलर कैसा दिखेगा उसको? हम जैसे ब्लू स्काई देखते हैं, ग्रे देखते हैं या फिर वाइट देखते हैं, लेकिन जब एस्ट्रोनॉट नज़दीक से देखता है तो उसे स्काई जो है आसमान पूरा ब्लैक नज़र आता है। अ फ्यूज़ वायर इज़ यूज फॉर, एक फ्यूज़ वायर यूज़ किया जाता है किसके लिए? अलाउइंग हाई करंट्स टू फ्लो हार्मलेसली, या फिर ब्रेकिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट, सेविंग अ मैन फ्रॉम रिसीविंग इलेक्ट्रिक शॉक्स, या फिर ऑल द एबव। तो फ्यूज़ वायर का इस्तेमाल किया जाता है ब्रेकिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट को ब्रेक करने के लिए, फ्यूज़ वायर का यूज़ किया जाता है। एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल डैमेजेस अ पर्सन्स
बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करना एक पर्सन के लिए एक पर्सन के कौन से पार्ट को, कौन से बॉडी पार्ट को हार्म करता है? सो ऑप्शंस हैं किडनी, लिवर, स्टमक या फिर ऑल द एवर टू सर्टेन डिग्री. क्या होगा इसका राइट ऑप्शन 43 का? तो 43 का ऑप्शन होगा ऑल द एवर टू अ सर्टेन डिग्री. किडनी, लीवर, स्टमक सारे ही पार्ट को डैमेज करता है एक सर्टेन डिग्री से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन ऑल एसिड्स? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नन ऑफ द अबव. इसमें से कौन सा कॉमन है सभी एसिड में, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है हर एसिड एसिड में? तो ये प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन. कोई भी एसिड होगा उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा ही, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, आप सबको देख लीजिए कोई एग्जाम्पल, तो सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट कंपलसरी होता है. आफ्टर बॉइलिंग राइस ग्रेन्स ग्रो इन वॉल्यूम एंड वेट बिकॉज स्टार्च स्वेल्स इन वाटर एंड हीट, हीट एंड लार्जेस्ट सॉलिड, राइस इज अ फैटी ग्रेन, ऑल द अबव. क्वेश्चन नंबर 45 है कि जब आप चावल बनाते हैं तो पके हुए चावल का में क्या होता है कि उसकी साइज भी बढ़ जाती है, वॉल्यूम भी बढ़ जाती है और उसका वजन भी बढ़ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि स्टार्च क्या होते हैं, स्वेल्स इन वाटर एंड हीट. जो स्टार्च में प्रेजेंट होते हैं वो पिघल जाते हैं और वाटर और हीट के प्रेजेंस में, इसलिए उसका वजन बढ़ जाता है. हाइग्रोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग. हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है किसको मेजर करने के लिए, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेनफॉल या फिर डेंसिटी ऑफ वाटर. 46 का ऑप्शन होगा बी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है. फोबोस एंड डाइमोस आर द सैटेलाइट्स ऑफ यूरेनस, मार्स, वीनस या फिर सैटर्न. फोबोस और डेमोस ये ना दो सैटेलाइट्स हैं, जो कौन से प्लैनेट के दो सैटेलाइट हैं, तो ये दो सैटेलाइट हैं मार्स के, फोबोस और डीमोस. प्लांट्स आर ग्रोन अलोंग रिवर बैंक इन ऑर्डर टू चेक. प्लांट्स आर ग्रोन अलोंग रिवर्स बैंक्स इन ऑर्डर टू चेक सिल्टेज एंड फ्लड्स, पॉल्यूशन, रेनफॉल, ऑल द अबव. तो यहाँ पे क्या होता है कि प्लांट जो नदी के किनारे पेड़ लगे होते हैं, लगाए जाते हैं, लगे होते हैं, तो वो क्या चेक किस लिए होते हैं, क्या चेक करते हैं? तो वो चेक करते हैं सिल्टेज एंड फ्लड्स को. तो वो इससे क्या होता है, हम चेक कर सकते हैं फ्लड्स और सिल्टेज को उस प्लांट्स के लगे होने से. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज द ऑप्टिकल टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग वेव्स एंड एम्पलीट्यूड. होलोग्राफी, बिबलोग्राफी, ऑडियोग्राफी या फिर नॉन ऑफ दीज. तो क्वेश्चन नंबर 49 का है होलोग्राफी. होलोग्राफी एक ऑप्टिकल टेक्निक है जिससे आप रिकॉर्ड करते हैं वेव्स एंड एम्पलीट्यूड को. क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन आज का है ये कि पीपल यूज आयरन प्लग्स हाउ इंस्टेड ऑफ द ओल्ड वुडन प्लग्स. दिस चेंज सिग्निफाइज एडवांस टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी या फिर अल्टीमेट टेक्नोलॉजी. लोग क्या करते हैं आयरन प्लग्स का यूज, पीपल यूज आयरन प्लग्स नाउ इंस्टेड ऑफ ओल्ड प्लग्स, ओल्ड वुडन प्लग्स. दिस चेंज सिग्निफाइज, ये चेंज सिग्निफाइज किया जाता है किस लिए, एडवांस टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी दिस चेंज सिग्निफाइज. तो ये थे 50 क्वेश्चंस साइंस से. We will try to do some more questions. अभी के लिए बस इतना ही. और बिल्कुल भी आप परेशान नहीं हो, एकदम शांत बन के रहे और जो आता है आप लिख के आए एग्जामिनेशन में. आप सभी को मैं एक बार अभी से ही ऑल द बेस्ट कह देती हूँ एग्जामिनेशन के लिए. आप AWS का एग्ज़ाम दे के आएँ और फिर ज़रूर बताएं फीडबैक कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया. तो बिल्कुल आप शांत मन से एग्ज़ाम दें, आपने जितना पढ़ रखा है अभी के लिए उतना ही रहने दे. बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में आप जो पढ़ेंगे तो ज़रूरी नहीं है सब आप याद रख पाए. तो अभी हम इतना ही छोड़ते हैं 50 क्वेश्चंस पे. सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग.